पूर्णिया में प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन, पूर्णिया जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। पूर्णिया के कला भवन में रवि महोत्सव सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्णिया जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने किया। डीएम ने कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मियों से कहा कि पिछले 3 दिनों में जिले में भारी बारिश हुई है, इससे किसानों के फसल की काफ़ी क्षति हुई है। इसका सही तरह से सर्वेक्षण करें और पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाएं। डीएम ने कहा कि बारिश के कारण किसानों की तैयार फसलें डूब गई है, खासकर धान और सब्जी की फसल को काफ़ी क्षति पहुंची है। डीएम ने सभी कृषि सलाहकारों को निर्देश दिया कि वह स्थल पर जाकर स्वयं जांच करें और सरकार के नियमानुसार पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाने का प्रयास करें। रवि महोत्सव का स्टार्ट किया गया है, क्या इसमें निर्देश दिया गया है? रवि महोत्सव की शुरुआत का जिला स्तरीय कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। इस अवसर पे जितने भी हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं कृषि विभाग के, उनको एक निर्देश ये भी दिया गया है कि विगत 3 दिनों में जो असामयिक बारिश हुई है उसमें धान की या खरीफ की अन्य फसलों की जो क्षति हुई है उसका सही तरीके से आकलन कर लें, ताकि राज्य सरकार के द्वारा जो मुआवजा घोषित होगा वो किसानों को उचित तरीके से मिल सके। इसके साथ ही जो जीरो टॉलरेंस नीति है उर्वरक पे, उसके संदर्भ में सबको निर्देशित किया गया है। साथ ही में फसल अवशेष प्रबंधन, क्योंकि अभी कटनी का समय है धान का, उसके बारे में भी लोगों को बताया गया है। एक सर, हर साल देखा जाता है कि चूँकि ये मक्का का इलाका है और इस इलाके में जो अप्रूव्ड नहीं है जिस तरह का बीज, वो बीज का भी यहाँ पे बिक्री होता है धरालेश? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कृषि विभाग के सारे पदाधिकारी हैं, राज्य से भी यहाँ पे प्रतिनिधि आए हुए हैं, तो उनके बीच में भी चर्चा हुई है कि जो सूचीबद्ध जो बीज है और जो अप्रूव्ड बीज है उसी का किसानों के बीच में वितरण हो, ये देखेंगे। और जो इस तरह की दुकानें हैं, जो अनुज्ञप्ति धारक जो हैं, वहाँ से केवल उचित बीजों का ही वितरण और बिक्री विक्रय किया जाए, इस चीज़ को जिला कृषि पदाधिकारी तथा सभी पदाधिकारी इस चीज़ की मॉनिटरिंग करेंगे।